हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोग के लिए जो स्टॉक लेके आया वो है एस चांद एंड कंपनी। ठीक है, इस स्टॉक का नाम तो मुझे लगता है हर किसी ने ही सुना होगा, क्योंकि ये जो काम करती है वो हम सबसे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या वजह है जो इसमें एक तेजी आई है और क्या बिजनेस है इनका। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं स्टॉक की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, तो ये काम क्या करती है, करती है पब्लिशिंग ऑफ एजुकेशनल बुक्स विथ प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम स्कूल बुक्स एंड हायर एकेडमिक बुक्स, कॉम्पिटिशन रेफरेंस बुक्स, टेक्निकल्स एंड प्रोफेशनल बुक्स, चिल्ड्रेन बुक्स। तो देखिए, बेसिकली बुक्स बनाने का काम करती है। बहुत सारी कंपनी में आपने बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा कि कंपनी का नाम एस चांद एंड कंपनी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा अगर आप अपने बुक्स में देखेंगे। तो बेसिकली ये वो पब्लिश करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए बिजनेस का बहुत अच्छा है, क्योंकि हर किसी को, हर बच्चे बड़े या हर किसी को एक बुक की ज़रूरत ज़रूर होती है आगे ज़िंदगी में, आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके बिज़नेस बहुत अच्छा है, बिज़नेस मॉडल। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए मार्केट कैप देखिए 387 करोड़ का, 111 पे ट्रेड कर रहा है, 111 का हाई 33.9, तो अपने हाई पे है ये। ठीक है, बुक वैल्यू देखिए 234 करोड़, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, देखिए प्रमोटर होल्डिंग 47.3% का है, तो अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग भी है इसमें। ठीक है, रिजर्व देखिए 801 करोड़ का, और देखिए डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, 264 करोड़ का डेट, तो डेट कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.9%, आरओसी और आरओई देखेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो है नेगेटिव। ठीक है, चलिए पर आगे देखते हैं क्या रीज़न है। देखिए तो किस तरीके से स्टॉक में बहुत एक अच्छी रैली आई है यहाँ से। अभी रैली की वजह भी हम लोग देख सोचेंगे, जानेंगे कि क्या हो सकती है रैली की वजह। ठीक है, मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं। तो देखिए स्टॉक जो है पहले बहुत ज़्यादा ऊपर रेट में ट्रेड कर रहा था, आप पहले देखें 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बहुत बड़ा डिप आया और उसके बाद रिकवरी हुई नहीं है। ठीक है, 111 पे है, 6 गुना नीचे है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और जून 17 की लिस्टिंग है इसकी। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेल्स देखिए किस तरह के सेल्स है। ठीक है, 655 करोड़, 658 करोड़, और फिर नीचे, फिर उसके बाद 449 करोड़, और उसके बाद फिर नीचे, फिर 332 करोड़, और फिर नीचे। ठीक है, और ये देखिए ये सारा कुछ इनका है नेगेटिव में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखिए सब नेगेटिव है। ठीक है, सारा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, 225 करोड़, 121 करोड़, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं, ये 2012 से अगर सेल्स दिए हैं तो 166 करोड़, 270 करोड़, 570 करोड़, 5, तो सेल्स देखिए लगातार बढ़े हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेल्स अच्छे से बढ़े हैं यहाँ पे जो इनिशियली थे, लेकिन यहाँ पे एक उस लेवल पे आके रुक गए हैं, मतलब उतने बराबर हैं, 429, 474 करोड़। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो देखिए अदर इनकम भी है थोड़े बहुत, इंटरेस्ट भी था पहले, बट देखिए यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट भी है इनके। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 15 करोड़, तो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बहुत अच्छे से तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से एक डिप आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 से एक डिप आया है। अभी देखिए अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बचा है, और सबसे जो मज़े की बात है क्यों रैली आ सकती है, ये देखिए देखिए आप देखेंगे कि हर हर क्वार्टर इसका नेगेटिव है, लेकिन जो एक क्वार्टर होता है मार्च वाला क्वार्टर में ज़बरदस्त इनका होता है बिजनेस। क्यों? क्योंकि नए सेशन स्टार्ट होने वाले रहते हैं, तो मार्च के अराउंड इनकी सेलिंग होती है बुक्स की बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये जो मार्च वाला क्वार्टर है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, हमेशा मार्च वाला क्वार्टर देखिए बहुत बड़ा इनका सेलिंग होती है, 655 करोड़, 449 करोड़, 332 करोड़, और उससे पहले बीच में ये सारे एक्सपेंसेस की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कौन सा मंथ है, ये है मार्च का मंथ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मंथ जब इसके रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली वो आने वाले हैं बहुत बड़े, और उस चक्कर में हो रही है इसमें अब तगड़ी तेजी इस स्टॉक में, यहाँ देखिए तेजी आ गई। ठीक है, तो ये रीज़न है। और देखिए अभी अभी देखिए -43 का ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, तो जब इस क्वार्टर का मार्च का भी जब इसमें रिजल्ट ऐड होगा तो इसमें ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, या फिर इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि ये जो है ये अभी मार्च के मंथ में जब आएंगे रिजल्ट बहुत तगड़े आएंगे, और उसको ऐड करने के बाद ये जो है ये अच्छे से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीज़न है कि इस स्टॉक में आ रही है तेजी। ठीक है, देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ -43 है,
तो यहाँ पे अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बचा है तो ये आया होगा पॉजिटिव, तो उसके बाद ये जो स्टॉक प्राइस है कभी 600 में ट्रेड करता था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो नए सेशंस के लिए मार्च का जो क्वार्टर है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च के क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आता है वो साल भर को इनका ओवरकम कर जाता है, साल भर में जो भी इनकी सेलिंग वगैरह होती है उसको ये पार कर जाता है अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे लगातार चीज़ें थी इनकी बहुत इंप्रूव। देखिए रिजर्व देखिए किस तरीके से बढ़े, 91 करोड़ से लेके 913 करोड़, तो 10x हो गए हैं 6-8 साल में। तो बिजनेस बहुत अच्छा है इनका। और बॉरिंग्स देखिए, बॉरिंग्स भी यहाँ पे कम बढ़ी थी, ठीक है 400 करोड़ तक हो गई थी, लेकिन बॉरिंग्स यहाँ पे थोड़ी कंट्रोल करके कम करने की कोशिश कम की गई है यहाँ से, ठीक है। हालांकि बॉरिंग्स यहाँ बढ़ रही थी, तो ये रीज़न थे जो स्टॉक प्राइस बीच में नीचे 600 रुपये से घट के 100 रुपये के लेवल पर चला गया, और अब इसमें फिर से तेजी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए होल्डिंग कैसी पड़ी हुई है, देखिए 47% यहाँ DIs की होल्डिंग, देखिए 13.13% की DIs की अच्छी होल्डिंग है। FIs ने अपनी होल्डिंग खत्म कर ली धीरे धीरे, हो सकता है FIs को जो हर क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है वो उतना मज़ा नहीं आ रहा उनको, लेकिन DIs की होल्डिंग देखिए, DIs के अच्छे खासे रिसर्च होते हैं, ठीक है। कभी 50 करोड़ का अगर इनके नेट सेल्स हो रहे हैं तो जो जब मार्च क्वार्टर आता है तो वहाँ 400 करोड़ का सेल्स कर देते हैं एक क्वार्टर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शायद DIs को पसंद होंगी। ये देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए 10% की बड़े लोगों के पास है, ठीक है, तो आम जनता के पास है 32% का स्टॉक, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से रेगुलरली इनके जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो और इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बचा है, तो उस चीज़ में उस एजम्पशन में ये जो स्टॉक प्राइस है फिर से अच्छे से भाग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, एस चांद एंड कंपनी, बिजनेस इनका बहुत अच्छा है क्योंकि बुक्स की सेलिंग होनी होनी है हर साल, स्कूल में तो कंपलसरी है बुक्स, तो ऑब्वियसली बुक्स तो लोग खरीदेंगे ही, ठीक है, और भी बाकी जगह जहाँ कंपलसरी है कॉलेजेस में वहाँ तो बुक्स लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे से भाग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बच्चों के एजुकेशन के आगे पेरेंट्स कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस पे एक एनालिसिस एस चांद एंड कंपनी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।